शाह कुछ कह रहे हैं उनको सुनते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण व रोमांचक जानकारी साझा करने के लिए है। क्या है ये खास जानकारी, इस बात को देश के सामने रखने के लिए अब मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को कि कृपया वो हम सभी के साथ आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करें। माननीय श्री अमित शाह जी। मित्रों, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ये सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं, राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनर्जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया
कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब मैं थोड़ा इस घटना के बाद में आपको बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अध्यक्ष सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था, जिनमें श्री राजेंद्र प्रसाद भी थे जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। ये घटना क्यों और कैसे हुई, हम सब जानते हैं कि सन 47 में भारत को आजादी देने का जब निर्णय हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन को इस प्रक्रिया को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए भारत के वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। जब ये प्रक्रिया करने का समय आया तब लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित जी भी कंफ्यूज थे, उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा कर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंदगी बहुत अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, भारतीय परंपराओं के जानकार, इतिहास के मर्मज्ञ ऐसे विद्वान सी राजगोपालाचारी पर नियुक्त की, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बात को राजा जी के सामने रखा। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहां हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं इसका सटीक स्थान था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य इस तथ्य का स्वीकारीकरण है कि भारत में विदेशी शासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचीन और भारत की सुदृढ़ परंपरा है। पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान के संपादन के लिए दक्षिण के मठाधिपति को स्वीकार कर आगे चले, जिससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकीकरण का था। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है, इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका
अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा इस एंगल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है, और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस एंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृतांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। आप सेंगोल की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया। मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 1978 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर बी आर सुब्रमण्यम को सेंगोल वृतांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। तमिल मीडिया ने भी परमाचार्य की चर्चा को प्रमुखता से जगह दी और उसे जीवित रखा है। हम सब परमाचार्य के इसके लिए कृतज्ञ है। दिलचस्पी की बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकाशित किया है। यह 2021-22 का HR&CE पॉलिसी नोट जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें दर्ज है। इस पर पैरा 24 में इसकी प्रक्रिया को ढंग के साथ वर्णित किया गया है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधीनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृत काल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा।
यह ऐतिहासिक योजना अधिनियम के अध्यक्षों से विचार विमर्श कर बनाई गई है। यह सभी 20 अधिनियम के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी को सेंगोल अर्पण करेंगे और इस पवित्र अनुष्ठान की पुनः स्मृति में अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत हर्ष की बात है कि 14 अगस्त 1947 की प्रक्रिया में जो स्वयं उपस्थित थे वो 96 साल के मुमिंडी बंगारू चिट्टी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं, उनका आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम को मिलेगा। यह घटना का दूरदर्शन और दी हुई लिंक से सभी मीडिया के माध्यमों से जीवंत प्रसारण देश भर के दर्शकों के लिए, नागरिकों के लिए भी होगा। और अब हम एक डिटेल फिल्म इस पूरी प्रक्रिया पर सांस्कृतिक विभाग ने बनाई है, इसको देखेंगे। August 1947, Madras Presidency, Tamil Nadu. A group of people were preparing for the trip of their lifetime. They had been called to carry out an important mission to sanctify and legitimize the transfer of power from one ruler to another. Where were these people going? Delhi. India was getting ready for its freedom, to be rid of the British rulers. After decades of people fighting for self-rule, thousands arrested, killed in action, chasing one goal, Azadi, freedom. The last Viceroy, Lord Mountbatten, had a task to complete: to hand over power to the Indians. He had a simple query: how should this moment of handover be conducted? A handshake would hardly do. What is the symbolism that should be adopted for the moment? He posed this question to Pandit Jawaharlal Nehru. A good question, something that needed thought. A puzzled Nehru turned to the veteran freedom fighter, Shri C. Rajagopalachari. Rajaji, as he was popularly known, was from Tamil Nadu. Nehru respected Rajaji's erudition and knowledge of Indic customs and civilization. Well-read as he was, he found the answer in India's past, in the Chola Kingdom of Tamil Nadu, one of India's oldest and longest continuous reigns. The transfer of power from one Chola king to another. तो 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर नए भारत की तस्वीर पेश करेंगे और इसी को लेकर गृहमंत्री जानकारी दे रहे थे। वक्त छोटे से ब्रेक का है।